जीवन में जब बदली छाई हो, चाहे हो अंधियारा, भूल न जाना कर्म का वो साथ होगा उजियारा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। संदेश है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और अंधकार क्यों न हो, हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और रोशनी देंगे। हमें कभी भी अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कर्म ही है जो अंततः हमारे जीवन में उजाला लाता है, हमारे जीवन में उजास भरता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के किसान रामलाल की। रामलाल की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास केवल एक छोटा खेत था, जिसमें मेहनत करके वह अपनी आजीविका चलाता था। एक साल उसकी फसल खराब हो गई, कर्ज बढ़ता गया और परिवार की हालात भी बिगड़ने लगी। गांव के लोग भी उसकी स्थिति देखकर उसे सलाह देते थे कि अब वह खेती छोड़ दे और कोई दूसरा काम धंधा शुरू कर दे। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने हर हाल में अपने खेत की देखभाल जारी रखी और अपने कर्म पर भरोसा किया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता, अपने खेत में मेहनत करता और भगवान पर भरोसा रखता। उसके मन में यह विश्वास था कि चाहे आज अंधेरा हो, लेकिन उसके अच्छे कर्म उसे उजाले की ओर जरूर ले जाएंगे। कुछ महीने बीते, उसके बाद जब बारिश हुई और मौसम अनुकूल हो गया, उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी फसल लहलहा उठी और इस बार उसे इतना अनाज मिला कि न केवल उसका कर्ज उतर गया बल्कि उसे मुनाफा भी हुआ। रामलाल ने अपने जीवन में कभी कर्म से मुंह नहीं मोड़ा और अंततः उसकी कड़ी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई। भारतीय दर्शन में कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह मान्यता है कि हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, उनके परिणाम से हमारा जीवन प्रभावित होता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। यह कहानी यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यदि हम अपने कर्म और प्रयास से पीछे नहीं हटते तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। निष्कर्ष यह है कि जीवन में अंधकार के समय हमारे कर्म ही हमारा सबसे बड़ा साथी होते हैं। हमें अपने कार्य पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य पूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। नमस्कार।